आज हमने बहुत समय से काम ड्यू करके रखा है वो हम पूरा करने का सोच रहे हैं। मम्मी ने बहुत समय से हमारे फ्रिज में बहुत सारे खजूर रखे थे, काफ़ी टाइम से बच गए थे, तो मम्मी ने वो चॉप करके रखे हैं। तो मैं और मम्मी काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं कि उनके लड्डू बनाएं, और हमको कहीं ना कहीं वक्त नहीं मिल पा रहा है, या वक्त मिलता है तो हम भूल जाते हैं। तो आज हम दोनों ने इतना अच्छा खाना खाया कि हम इतने खुश हो गए कि हमें बहुत एनर्जी आ गई है। तो हम सोच रहे हैं चलो लड्डू बना लेते हैं, फ्रेश हो गए खा के, अब हम आराम से डाइजेस्ट भी करना, ज़्यादा खा लिया। तो अभी हम बनाते हैं लड्डू, बनाएंगे खजूर के लड्डू। चलिए, सो ये है इतने सारे खजूर जो मम्मी ने सीड हटा के अच्छे से कट करके रखे हैं। इसके साथ हमने अंदाजे से लिया है ये थोड़ा सा, समझो 2 मुट्ठी भर वॉलनट, ये थोड़े से पिस्ता है, यहाँ पे लिया है थोड़ा सा काजू, ये भी हम समझो 2 मुट्ठी भर डालेंगे, और ये है बादाम, ये भी 2 मुट्ठी भर। और यहाँ पे हमने ले लिया है पैन, इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा घी, और ये जो चारों ड्राई फ्रूट्स है ना, ये हल्के से हम लोग इसे फ्राई करेंगे। तो बीच में थोड़ा सा टाइम निकल गया क्योंकि हमने सारी तैयारी तो कर दी, लेकिन फिर हमें रियलाइज हुआ कि घर में घी खत्म हो गया है। तो हमने हमारे ग्रोसरी वाले भैया को बोला कि भैया घी दे जाओ, तो घी आ गया है। मीनवाइल मैंने जाके चेंज कर लिया है क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। सो चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसे हम घी में थोड़ा सा सौते करेंगे। सो ये पैन में हमने ले लिया है घी, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और फिर इसके बाद ये मैं डाल रही हूँ वॉलनट्स, इन्हें हम फ्राई करेंगे, और ऐसे ही एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स हमें फ्राई करने हैं। सो ये हो गए हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स, हल्के हल्के से फ्राई, ज़्यादा बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी जल जाते हैं। मेरे पिस्ता एक लॉट तो वेस्ट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ वहाँ, मेरा 1 सेकंड के लिए नज़र हटी तो दुर्घटना हो गई, तो वो जल गए, तो मैंने दोबारा फ्राई किए, तो एकदम जल्दी से जो है वो फ्राई हो जाते हैं। अब हम अपना जो खजूर है उसको पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, और उसकी प्यूरी बना लेंगे। बहुत पतली नहीं बनानी है, हल्की सी। सो यहाँ मैंने हाफ खजूरी लिया है ताकि वो एकदम से ना पिसे, ऐसा ना हो, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और चेक करते रहेंगे। हमें कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी इस तरीके की थिक चाहिए। तो ये हमें इसी तरह से थोड़ा दरदरा सा पेस्ट पीसना है, एकदम स्मूथ पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो ये पेस्ट हमारा रेडी है खजूर का। अब हम ये जो नट्स हैं इसे भी पीस लेंगे। मुझे पीस के डालना ज़्यादा अच्छा लगता है, आप क्योंकि मुंह में नहीं आता। अगर आप चाहें तो आप इसे चॉप करके फिर फ्राई करके फिर मिक्स भी कर सकते हैं, पर मुझे ये तरीका ज़्यादा पसंद है बिकॉज मुंह में बिल्कुल भी नहीं आता। ये मैंने एकदम अच्छे से पीस लिया है। सिर्फ जब भी आप ड्राई फ्रूट्स पीसते हैं ना, आपको बादाम अलग से पीसना चाहिए बिकॉज कंपैरेटिवली बादाम थोड़ा सा स्टिफ होता है, थोड़ा हार्ड होता है, तो उसको पीसने में बहुत वक्त लगता है, इसलिए वो आपको अलग से पीसना चाहिए। तो मैंने अखरोट और पिस्ता साथ में पीस लिया, मैंने काजू पीस लिया, मैंने लास्ट में अलग से बादाम पीसा है। सब रेडी है। अब मैंने एक फ्रेश पैन लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, एकदम थोड़ा सा, और इसको हम पिघलने देंगे। और इसमें हम सबसे पहले अपना खजूर जो है वो अच्छे से थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए हम और इसे कुक करेंगे। अभी तो ये चिट-चिट आवाज आने लगी, और इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। दैट्स इट। आप हाफ टी स्पून से भी कम ही, वेरी लिटिल, जस्ट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ खुशबू। और जैसे जैसे ये गर्म होके खजूर जैसे जैसे पिघलेगा वैसे वैसे आप इसे मैश करते जाइएगा। एंड आपको बेसिकली इसमें जो पानी हमने ऐड किया है वो पूरा सूख जाए और ये प्रॉपर लड्डू बनाने जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक आपको इसे कुक करना है। सो योर मेन थिंग इज यू हैव टू मैश एंड मेक इट अ स्मूथ पेस्ट। सो ये पूरा अच्छे से हमारा मैश जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। और इसे हम जल्दी से मिक्स करेंगे। और फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और घी। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा ताकि आपका जो ड्राई फ्रूट और डेट है पूरी तरह से ब्लेंड हो जाए। इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें अभी लास्ट में एकदम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे जितना आप बर्दाश्त कर सको और उसके बाद हम बना लेंगे इसके लड्डू। तो ये मेरे लड्डू हो गए हैं रेडी। अभी इसको भी मैं पूरे बैटर से जो है लड्डू बना दूंगी। बहुत सिंपल है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हो उतना इसे ठंडा होने दीजिए, फिर हाथ में थोड़ा सा घी लगाते जाइए और इसको रोल करते जाइए। साइज आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। और ये जनाब भी आ गया है यहाँ पे, ये अपनी आइसक्रीम खा रहे। क्यों आज हेडेक हो रहा है? बहुत आज बोलती बंद है, हाँ आज बहुत ज़्यादा हेडेक है। आई थिंक एसिडिटी हो गई आज, उस वजह से मैं जिम भी नहीं गया। जिम के गेट तक पहुँच गया लेकिन हिम्मत नहीं हुई, वापस आ गया। तो चलो मैं अभी एक बार ये सारी कंप्लीट कर लूं, फिर लास्ट में आपसे मिलती हूं। थोड़ा सा स्टिकी होता है इसीलिए आप घी लगाएंगे ना हाथों पे तो आराम से बनता चला जाएगा। एंड बाकी लड्डुओं के कंपैरिजन में तो ये बहुत 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 इजीली बन जाते हैं। ये देखिए, एंड ये मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं और मैंने टेस्ट भी कर लिया, बहुत यमी लग रहे हैं।